प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। क्या मदरसन सुमी यहां से और नीचे गिर सकता है? आज थोड़ी गिरावट आई है, हमारे हिसाब से अगला हफ्ता भी थोड़ा प्रेशर में रहेगा। म्यूचुअल फंड यहां पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं इसमें अपना हिस्सा। जब एक स्टेबल लॉन्ग टर्म के प्लेयर स्टॉक को बेचने लगते हैं तो वो बहुत जल्दी से गिर सकता है और साथ साथ में कंसोलिडेशन में और फिर से ऊपर उठ के चलने में टाइम लग सकता है। मार्केट की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है तो अभी प्रॉफिट बुक करना हमारे हिसाब से एक सही एडवाइस होगी इस स्टॉक में। शुरुआत में हमने इसको बहुत अच्छे लेवल पर रिकमेंड किया था, कई बार इसका ब्रेकअप भी हो चुका है, बोनस आ चुके हैं, तो उस हिसाब से ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए। बट अभी अगर आप चाहें तो प्रॉफिट बुक करके अपना टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड वैल्यूएशन की दृष्टि से इसमें अपना हिस्सा बेच रहे हैं और जब वो वापस गिरेगा तो फिर म्यूचुअल फंड इसमें खरीदेंगे। साथ साथ में लॉन्ग टर्म के लिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल ने इसको बाय का टारगेट दिया है 95 रुपीज का। उनके हिसाब से जो प्रोडक्ट एंड रेवेन्यू सेगमेंट है, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक इंक्लूडेड, वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आगे आने वाले फाइनेंशियल में बहुत बढ़िया काम होगा इनका। यहां यूएस के मार्केट में थोड़ी सी बिकवाली चल रही है जिसकी वजह से हाई वैल्यूएशन स्टॉक गिर सकते हैं, जिसमें मदरसन सुमी भी एक इंक्लूडेड है अगर पीबी रेशो के हिसाब से देखा जाए तो एवरेज कंपनी के साथ में। लेटेस्ट खबर के मुताबिक हमारे कैलकुलेशन के बेसिस पर अभी यहां पर फंड्स को डिप्लॉय करना मार्केट में थोड़ा आपको स्लो जाना चाहिए, कैश में ज्यादा रहिए, वो आपके लिए बेटर स्ट्रेटजी रहेगी। और मदरसन सुमी में आपको मैक्सिमम 2% तक की लिमिट लगाने के लिए ही हम सलाह देंगे। अगर टेक्निकली देखा जाए आज मॉर्निंग में काफी अच्छी तकड़ी गिरावट आई थी और देखिए वॉल्यूम के साथ गिरा, यहां पर ये वॉल्यूम देखेंगे तो ऑन एवरेज 2.5 मिलियन शेयर हैं एक्सचेंज हुए हर 15 मिनट में और गिरकर 78 रुपए से सीधे के सीधे वो 74 तक चला गया। ये है क्लियर कट म्यूचुअल फंड की सेलिंग का प्रेशर। उसके बाद वापस अपटिक आया और बंद होते होते 77 के आसपास ये गया है। तो यहां पर कुछ हैंड्स इसको खरीद रहे हैं, कुछ हैंड्स इसको बेच रहे हैं, बट म्यूचुअल फंड में क्लियर इंडिकेशन है जहां मार्केट 0.5% ऊपर चढ़कर बंद हुआ है वहीं मदरसन सुमी नेगेटिव बंद होना ये इंडिकेट कर रहा है, करीब 1 रुपए के आसपास गिरकर बंद हुआ है कि मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव व्यू बनेगा इसका। अगर हम इसको देखें तो ये 79 रुपीज 80 रुपीज के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है। जैसा आपने देखा 3 दिन पहले इसने इसको टच किया और यहां से फिर गिरना शुरू किया है। 72 रुपीज 85 पैसे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा तो अभी उम्मीद लगाई जाएगी कि ये 79 रुपीज से लेकर 73 रुपीज के बीच में कंसोलिडेट करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स इस ऑसिलेशन के लिए अपर लेवल पर बेच सकते हैं, लोअर लेवल पर खरीद सकते हैं। लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हम अभी सलाह करेंगे यहां से एंट्री मत लीजिए, आप 65 के भाव से लेकर 62 के भाव में पहली एंट्री आपको लगेगी सही यहां पर। और अगर आप दूसरी एंट्री के लेवल देखते हैं तो 61 के आसपास का दूसरी एंट्री का लेवल रहेगा इसका। आज का वॉल्यूम अगर देखें तो यहां वॉल्यूम की दृष्टि से आज काफी अच्छा शेयर रहा, 27 मिलियन शेयर हैं एक्सचेंज हुए हैं इसमें और एलिगेटर इंडिकेटर के बेसिस पर तीनों पैरामीटर पर अभी भी बाय है बट थोड़ा सा ओवरबोर्ड जोन है। कैसे कह रहे हैं ये देखिए, अगर आप बुलिंजर बैंड को फॉलो करते हैं तो बैंड के अपर हिस्से में कभी भी खरीदने की सलाह नहीं देगा हमारा चैनल। ये रिट्रेस करके 74 तक वो आज ही हो गया है, अगर मार्केट नीचे फर्दर गिरता है तो ये और नीचे जाएगा और यहां से शायद 68 रुपए तक ये जाकर टच कर सकता है एज पर बुलिंजर बैंड एनालिसिस। बैंडविड्थ 17 है तो यहां से थोड़ा ऊपर जा सकता है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी ने इसको अभी भी बाय सिग्नल मेंटेन करके रखा हुआ है। सुपर ट्रेंड का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 72 के आसपास है, आरएसआई 59 यहां पर पॉजिटिव बायस लगाया हुआ है आरएसआई ने इस स्टॉक के लिए। तो ये इस स्टॉक में अभी इतना ही, अगर हमारे साथ ट्रेनिंग करनी है मेल ड्रॉप करेंगे। जय हिंद।